हेलो एस्पिरेंट, आज है 24 जून 2021 थर्सडे। आज को वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा जीनियालिटी। ठीक है, जीनियालिटी। जीनियालिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है मिलनसार बोल सकते हैं और नेकी भी बोल सकते हैं। एक नाउन फ्रेंडली, अमियाबिलिटी, कॉर्डिनलिटी, ओके, अफेबिलिटी, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है, मेहरबानी, प्रसन्नता, ये सब भी, और नेकी और सज्जनता भी बोल सकते हैं। ठीक है, सज्जनता, अच्छा सुनाई देगा, मतलब बोलते हैं क्या बोलते हैं, हैविंग द क्वालिटी फ्रेंडली और चेयरफुल मैनर, ये वही बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है एक्चुअली, या द क्वालिटी ऑफ हैविंग ए फ्रेंडली एंड चेयरफुल मैनर। ठीक है, ओके, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसकर्टेसी हो जाएगा, अनफ्रेंडली हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, इनसिवियबिलिटी और ये एस्पिरेटिविटी हो जाएगा, इतना खास नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल के देख देख लेते हैं, कितना अच्छा एग्जाम्पल है, समझने का कोशिश करना। एज आर्च बिशप, हिज सोशियबिलिटी एंड जीनियलिटी मेड हिम पॉपुलर। आर्च बिशप होने के बावजूद, होते हुए बोल सकते हैं, हिज सोशियबिलिटी एंड जीनियलिटी, मतलब जो फ्रेंडली नेचर है और मिलनसार जो नेचर है, वो उनको पॉपुलर किए बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, क्या है जीनियलिटी। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, रेवरेंस। एक वर्ड है जहाँ मोस्टली यूज होता है रेवरेंस, ये इस किसी को प्रसन्न करना या किसी का सम्मान देना, श्रद्धा, आदर, इज्जत, ये सब करने के लिए ये काम होता है, मतलब ये इसी का मतलब समझाता है रेवरेंस। ठीक है, अक्लेम और एडमरेशन, अप्रिशिएशन, अप्रोबेशन, ये सब बोल सकते हैं किसके लिए, रेवरेंस। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बाय द वे, और उसका ऑपोजिट क्या है, हम किसी को श्रद्धा करते हैं या आदर, इस सम्मान करने के लिए, इज्जत करने के लिए, ये सब रेवरेंस वर्ड यूज होता है ज्यादातर। ठीक है, इसका ऑपोजिट पे हो जाएगा एंटोनिम, हमारा ऑफेंड, ऑफेंड हो जाएगा, इंसल्ट हो जाएगा, डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेस्पेक्टफुल टू शो रेवरेंस टू दोज हु हैव पास्ड अवे। ये क्या बोलते हैं, ये रेस्पेक्टफुल होता है किसको, शो करने को, जो बीत गए हैं, जो इंसान नहीं है इस दुनिया में, उनको अगर रेस्पेक्ट, मतलब सम्मान दे, तो वो रेस्पेक्टफुल होता है। ठीक, इट इज़ रेस्पेक्टफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड वर्ड पे हमारा कॉन्ट्री टेम्प्ट। ठीक है, कॉन्ट्री टेम्प्ट, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्री टेम्प्ट का मतलब होता है, एक नाउन है ये बाय द वे, इसका मतलब होता है विपत्ति हो सकता है, ट्रेजेडी। ठीक है, ट्रेजेडी, डिजास्टर, रुइंस, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है, विपत्ति या अनिष्ट हो जाना, कहते हैं अनिष्ट हो गया, घोर अनिष्ट हो गया, बोलते हैं ना, यही सब होता है। एंटोनिम्स हो जाएगा ब्लेसिंग। ठीक है, अनिष्ट का अच्छा हुआ है, ब्लेसिंग, सक्सेस, ट्रायम्फ, ये सब, जॉय, ये सब हो जाएगा इसका एंटोनिम्स में। ठीक है, ओके, द इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, द इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग इज ए कॉन्ट्रटेम्प्ट दैट कुड स्टॉल द साइनिंग ऑफ द पीस ट्रीटी। इसका मतलब, अच्छा यहाँ पर एक वर्ड लगा हुआ है स्टॉल, स्टॉल मतलब जो दुकान, ठेला जो लगता है ना, उसी को स्टॉल बोलते हैं, बट इन दिस मीनिंग ये वर्क के हिसाब से यूज होगा। इसका मतलब होता है इंजन अगर फटाक से रुक जाए, गाड़ी चल रहा है ना कहीं, फटाक से अगर इंजन रुक जाए तो स्टॉल बोलते हैं। अगर कुछ भी, अगर कुछ चीज अगर चल रहा है, दोनों के बीच में समझौता चल रहा है, क्या बोलते हैं, स्टॉल द साइनिंग ऑफ द पीस ट्रीटी, अगर पीस ट्रीटी पे ये स्टॉप लगा सकता है, इसका मतलब यही होता है यहाँ पर इस सेंटेंस पे। ठीक है, द इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, मतलब जो इलीगल तरीके से आप जो बॉर्डर क्रॉसिंग होने वाला है, जो मतलब बॉर्डर क्रॉसिंग जो है, इज अ कॉन्ट्रटेम्प्ट दैट कुड स्टॉल द साइनिंग ऑफ द पीस ट्रीटी। ठीक है, ये जो है, ये बहुत विपत्ति, मतलब विपत्ति, अनिष्ट कर सकता है। ठीक है, ओके, आप तीनों वर्ड समझ गए होंगे आई होप। फर्स्ट है हमारा जीनियलिटी, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली बिहेवियर, समझ लो फ्रेंडली, और रेवरेंस का मतलब किसी को सम्मान देने के लिए बोलते हैं ना। ठीक है, आदर, सम्मान, इज्जत करने के लिए। ठीक है, थर्ड वर्ड है हमारा कॉन्ट्रटेम्प्ट, कॉन्ट्रटेम्प्ट का मतलब होता है हमारा विपत्ति, ट्रेजेडी, डिजास्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक ख्याल रखिए, बाय बाय।